सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को जिस टुकड़ी ने अंजाम दिया उसके पराक्रम के किस्से चर्चा में हैं। कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे दिमाग एक ऐसे शख्स का है जिनका नाम सेना में बहुत सम्मान से लिया जाता है। अब उन्हें सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जनमन एक्सक्लूसिव, सर्जिकल स्ट्राइक के असली हीरो लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होगी, ये इनके दिमाग की उपज थी। कमांडो कहां और कैसे अटैक करेंगे, उसकी प्लानिंग इन्होंने की थी। ये हैं पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के असली हीरो लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त ये चिनार कोर के कमांडिंग ऑफिसर थे। अब इनका नया ओहदा है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ का पद क्यों और कितना अहम है और कैसे उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ को इतनी अहम जिम्मेदारी के लिए आखिरकार क्यों चुना है। उरी आर्मी कैंप पर जब आतंकवादियों ने हमला किया तब लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ चिनार कोर के कमांडर थे। LOC की रखवाली की जिम्मेदारी चिनार कोर की है। हमले के बाद POK में घुसकर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की अनुमति लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने ही मांगी थी। सरकार ने जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की हरी झंडी दी, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने DGMO रणबीर सिंह और उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी रूपरेखा तैयार की। जिस वक्त स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त LOC के करीब किसी अज्ञात जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट DS हुड्डा कंट्रोल रूम से पूरी कार्रवाई लाइव देख रहे थे। राजधानी दिल्ली के करीब फरीदाबाद के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने 1979 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी जैकलाई से जुड़े रहे सतीश दुआ को भारतीय सेना में एंटी टेररिस्ट एक्सपर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। गुरुवार को उन्होंने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ का पदभार भी संभाल लिया। ये तस्वीरें लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की नए पदभार को संभालने के बाद की हैं। सेना के तीनों अंगों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, फिर उन्होंने अमर जवान ज्योति पर जाकर फूल चढ़ाए। आइए अब आपको बताते हैं कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ का मतलब क्या होता है और क्यों ये पद बेहद अहम है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ का मतलब है सेना के तीनों अंगों के लिए एक पुल की तरह काम करना, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच सामंजस्य और समन्वय बिठाना। जब भी किसी ऑपरेशन में दो या दो से अधिक सेनाएं शामिल होती हैं, तो उसकी कमान चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ के हाथों में ही होती है। ये विभाग सीधे रक्षा मंत्री के अधीन काम करता है। पिछले 37 सालों से लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का शानदार करियर रहा है। ये इन्हीं की अपील का नतीजा था कि पत्थरबाजों के हाथों घायल हुए सैनिकों की मदद के लिए स्थानीय युवा कश्मीर में आगे आए। घाटी में युवाओं को भटकने से रोकने के लिए जनरल दुआ ने बहुत काम किया है। हम उन सब बच्चों को भी हम कहेंगे कि ठीक रास्ते पे चलें। हमें बड़ा दुख होता है जब यंग लड़के नारे लगाते हैं, पत्थर मारते हैं, कुछ बंदूक उठा लेते हैं, ये गुमराह किए जाते हैं, हमारे ही बच्चे हैं। ये जनरल दुआ ही थे जिन्होंने खुलासा किया था कि कश्मीर में पत्थरबाजों की आड़ लेकर आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं। पूर्वोत्तर के लिए बनाई गई काउंटर टेररिज्म फोर्स असम राइफल्स के गठन के पीछे भी इन्हीं का दिमाग था। कमांडो इंस्ट्रक्टर से लेकर वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में डिफेंस अटैचे के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेपाल भूकंप में भारतीय राहत दल की कमान जनरल दुआ के ही हाथों में थी। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की कामयाबी की लिस्ट बेहद लंबी है। सेना प्रबंधन और युद्ध प्रणाली में विशेष महारत हासिल रखने वाले सतीश दुआ के बारे में कहा जाता है कि आतंकी बुरहानवानी के एनकाउंटर के बाद भड़की हिंसा को रोकने में उनकी अहम भूमिका थी। सरकार को उम्मीद है कि हमेशा की तरह वो अपनी नई जिम्मेदारी भी बखूबी निभाएंगे। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली।